हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊं कि हम किस तरह से नोज को शेड कर सकते हैं रियलिस्टिक ढंग से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा नॉस्ट्रिल्स से। यहां पे मैं यूज़ कर रहा हूं मैकेनिकल पेंसिल। बेस लेयर में आपको लाइट से लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। यहां पे मैं एचबी ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूं। और यहां पे मैं डार्क कर दे रहा हूं, और डार्क करने के बाद मैं इसे ब्लेंड कर दे रहा हूं यूजिंग मेकअप ब्रश। तो ये मेकअप ब्रशेस है, और उसके बाद मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्रेटा कलर की। तो ये क्रेटा कलर की सॉफ्ट पेंसिल है, तो इसे भी मैंने ब्लेंड कर दिया है। आपको तीन टोन्स पे ध्यान देना है, एक लाइट टोन्स, एक मिड टोन्स, एक डार्क टोन्स। डार्क टोन्स के लिए आप डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से मैंने क्रेटा कलर की पेंसिल यूज़ की। और लाइट टोन्स के लिए आप एचबी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो मैंने किस तरह से पेंसिल को होल्ड किया है। इस तरह से पेंसिल को होल्ड करने का एडवांटेज ये है कि आपका जो लीड है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहता है पेपर के, और जिससे आपको ज़्यादा शार्प लाइंस नहीं मिलती, क्योंकि शार्प लाइन को आप ब्लेंड नहीं कर सकते ईजी। आपको ज़रा ब्रॉड लाइंस मिलती है, जो कि काफ़ी ईजी ब्लेंड हो जाती है। और मैं प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो ये ईजिली ब्लेंड हो जाती है और आपको काफ़ी स्मूथ रिजल्ट मिलता है। ये है फर्स्ट लेयर। और लेयर अप्लाई करते टाइम आपको रेफरेंस को भी चेक करना है कि कहाँ पे आपकी ज़्यादा वैल्यूज है डार्क, कहाँ पे लाइट है। आपको कंटिन्यू चेक करते रहना और फिर ब्लेंड करना है। और आपको फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट हाईलाइट भी करना। आपको फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद उसे ब्लेंड करना है, उसके बाद सेकेंड लेयर अप्लाई करनी है, फिर थर्ड लेयर। जितनी लेयर्स आप अप्लाई करोगे, उतना जो आपका वर्क है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा, और काफ़ी सही ढंग से स्मूथ रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। मैंने ब्लेंड कर दिया है फर्स्ट लेयर को। अब मैं सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ पे वैल्यूज जरा और डार्क है। आप देख लो साइड में शेडोज है, उसके लिए मैं और डार्क कर रहा हूँ सेम मैकेनिकल पेंसिल से ही। आपको इस तरह से चेक करते रहना है वैल्यूज़ को रेफरेंस के साथ, और ऑब्जर्व करना है काफ़ी ध्यान से कि कहाँ पे हमारी हाईलाइट्स हैं। हाईलाइट्स वाले एरिया को आप मार्क करके भी रख सकते हो कि यहाँ पे हमारी हाईलाइट्स हैं। और सारे एरियाज़ को अगर आप डिवाइड करके रखो कि ये मेरा हाईलाइट्स का एरिया है, ये मिड टोन्स का एरिया है, यहाँ पे हमारी डार्क टोन्स रहेंगी। तो इस तरह से आप अपने माइंड में भी सेटअप कर सकते हो, या फिर लाइटली पेंसिल से भी उन एरियाज़ को लोकेट कर सकते हो, और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग लेयर्स अप्लाई करनी है। तो ये सेकंड लेयर भी मैंने अप्लाई कर दिया है, और ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको लेयर बाय लेयर वर्क करना है और ब्लेंड करना है, और जो आपकी डिटेल्स है वो आपको बाद में देनी है, और जो हाईलाइट्स है वो लास्ट में देनी है। तो इसी तरह से आपको चार प्रोसेस है, चार स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है, सेकेंड स्टेज में आपको लेयर अप्लाई करनी है, थर्ड स्टेज में आपको डिटेलिंग देनी है, और फोर्थ स्टेज में आप हाईलाइट्स कर सकते हो, और उसके बाद फाइनल टच आप कर सकते हो, या फिर आप हाईलाइट्स को पहले करके उसके बाद भी डिटेलिंग कर सकते हो, बट फिर भी आपको डिटेलिंग के बाद थोड़ी बहुत हाईलाइट्स करनी पड़ेगी। यही है पूरा प्रोसेस। और फ्रेंड्स, मैं और लेयर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दो लेयर्स मैंने अप्लाई कर दी है, और ये मैं थर्ड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। अब देख लो, जैसे जैसे मैं लेयर्स अप्लाई करता जा रहा हूँ, मैं लाइट लेयर्स ही अप्लाई कर रहा हूँ, वैसे वैसे हमारा जो स्केच है वो काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है। इसी तरह से मैं शेड करता हूँ नोज या स्किन या कोई भी पार्ट को जब मैं ड्रॉ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट्स अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारी रेफरेंस में वाइट एरियाज है, जहाँ पे लाइट पड़ रही है, शाइन दिख रही है। उसे मैं मोनी इरेजर या फिर कोहिनूर इरेजर से हाईलाइट्स दे रहा हूँ, और वहाँ से मैं ग्रेफाइट को पिक कर ले रहा हूँ। आपने देखा कि मैंने ग्रेफाइट को पिक किया तो ज़्यादा वाइट हो गया, फिर मैंने उसके ऊपर हल्का सा ब्रश चला के उसे नॉर्मल कर दिया। आपको इसी तरह से वर्क करना है। आप देख रहे हो जो नोज़ की शाइन है वो भी आपको नज़र आ रही है, और काफ़ी रियलिस्टिक रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। हमने हाइलाइट्स भी दे दिए। अब जो साइड में आपको दिख रहा होगा आइज़ की हल्की सी डार्क एरियाज है, तो उन्हें मैं ज़रा और डार्क करूँगा, और जहाँ पे हाइलाइट्स मुझे लग रहा है कि मिसिंग है हल्की फुल्की, और हमें हाईलाइट्स दे दे रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स यही था पूरा प्रोसेस। और अब मैं फिर से फाइनल टच, लगभग हमारी ड्राइंग फिनिश हो गई है, बट जहाँ मुझे लग रहा है कि और वैल्यूज ज़रा डार्क होंगी मैं उनसे चेक करके डार्क कर रहा हूँ, और जहाँ भी हल्की सी हाइलाइट्स है वहाँ पे वो अप्लाई कर रहा हूँ। सो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B स्टेडलर पेंसिल। सो अब देख लो आइस के जो लेफ्ट साइड में ज़रा शेडोज बन रही है तो वो ज़रा डार्क है, सो वहाँ पर मैं HB पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 4B पेंसिल। सो लाइट ग्रेड मैंने यूज़ किया लाइट वैल्यूज़ के लिए, और 4B में यूज़ कर रहा हूँ मिड वैल्यूज़ के लिए, और जो नोस्टिल्स में होल्स थे वहाँ के लिए मैंने यूज़ की थी डार्क पेंसिल। सो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लें। सो आपने देखा मैंने मिड वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई कर दी, और हाईलाइट्स को भी, और जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट्स हैं वहाँ पर इम्प्रूव कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हल्का सा ब्लेंड भी कर दे रहा हूँ। सो आपको लग रहा हो कि हमारा वर्क फिनिश हो गया है, बट ऐसा नहीं है, आपको लास्ट तक उसे चेक करते रहना है और फाइनल टच प्रोवाइड करना है। सो मैं उसी तरह से चेक कर रहा हूँ। सो हमारा नोज लगभग कंप्लीट हो गया, बट मैं फिर से नोज पे वापस आऊँगा, उससे पहले मैं राइट आइज को क्विकली फिनिश कर दे रहा हूँ। मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो ये आइस सेम जैसे मैंने फर्स्ट आई ड्रॉ की थी सेम वैसे ही मैंने ड्रॉ की है। सो आइस को ड्रॉ करने के बाद जो आइस के साइड में जो शेडो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ सेम जैसे मैंने राइट साइड में क्रिएट की। राइट साइड में ज़रा डार्क है और लेफ्ट राइट साइड में ज़रा लाइट है और लेफ्ट साइड में डार्क है। सो सेम वैसा ही मैंने वैल्यूज़ को वहाँ पर अप्लाई किया और फिर ब्लेंड कर दिया। फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। सो आप देख रहे हो वहाँ पे मैं और लेयर्स अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि साइड में जो शेडोज हैं वो नज़र आ रही हैं आपको, क्योंकि लाइट जो है वो हमारी ऊपर से भी आ रही है जिसके कारण आईब्रोज के नीचे जरा एरियाज डार्क है। सो उन्हें मैं डार्क कर दे रहा हूँ और फिर साथ ही साथ ब्लेंड भी कर दे रहा हूँ। और अब मैं नोज को साइड से और एक्सटेंड कर रहा हूँ, ब्लेंड कर रहा हूँ चिक्स के साथ। सो हमारा नोज लगभग फिनिश हो गया है, और जब मैं आईज पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। सो हमारा नोज हो गया फ्रेंड्स फिनिश, अब बस मैं उसे चिक्स के साथ हल्का सा मर्ज कर दूंगा। सो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा जिसमें मैं हेयर से रिलेटेड ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा, क्योंकि स्किन आइस नोज हो चुका है। सो बियर्ड पे भी हो सकता है मैं बनाऊं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।